बाकी अगर किसी को डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना तो करंट लेवल्स पे मुझे एक तो इंजीनियर्स इंडिया बहुत पसंद आ रहा है, 160-161 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, और जिस तरह से ये जो अभी G20 की समिट कंक्लूड हुई और उसमें ये जो बायोफ्यूल और एथेनॉल के लिए बातें करी गई, तो लोग इसको रिलेट करते हैं आमतौर पे प्राज इंडस्ट्रीज से जो कि सेटअप करती है एथेनॉल के प्रोजेक्ट्स। बट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो इन टू दैट, वो भी एथेनॉल के प्लांट सेटअप करती है। अभी हाल ही में ये एक असम में बायो रिफाइनरी सेटअप कर रही है जिसमें बाम्बू से एथेनॉल बनाएंगे, तो इस तरह की जबरदस्त कंपनी है। फिर इनका ग्रीन हाइड्रोजन पे भी फोकस है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, लेह का एयरपोर्ट ये बना रहे हैं, फिर आपके डेटा सेंटर्स में भी है। मुझे लगता है अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो इस तेजी में भी बहुत कुछ हुआ नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये भी एक पीएसयू स्टॉक है। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है और हम पीएसयू सेक्टर में डेफिनेट बड़ी तेजी देख रहे हैं, बट फिर भी ये स्टॉक आज भी एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, और मेरा इसमें अच्छा टारगेट है 9 से 12 महीने में मुझे लगता है 250 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये तो एक अच्छा स्टॉक हो गया जो मैंने बताया। बाकी एनबीएफसी में मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है पूनावाला फिनकॉर्प एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है जो कि 400 के आसपास अब वापिस आया है। अभी हाल ही में 450-60 के लेवल्स देख के करेक्ट हुआ है, 395-400 के लेवल्स पर भी ट्रेड करता है। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है और सही चीजें कर रही है सही समय पे, और डिजिटल फोकस है, रिटेल फोकस है, फिर एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस देखेंगे, फिर आप इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी काफी कम हो गए, मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, आदर पुनावाला जी अब इसके ओनर है इस कंपनी के। ये पहले मेगमा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी कंपनी। तो ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। मुझे लगता है 500-550 तक के लेवल्स तो डेफिनेटली आ सकते हैं आने वाले 9 से 12 महीने।